जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका वनवास यात्रा के एक और नए अध्याय में। अभी मैं हूँ प्रयागराज इलाहाबाद में, यहीं पे हमारे एक दोस्त ने हमें होस्ट किया था, तो तकरीबन दो दिन से हम यहीं पे थे। कल हमने आपको प्रयागराज दिखाया, तो आज वक्त आ गया आगे की ओर प्रस्थान करने का, सीता रसोई। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, आज आपको श्री राम वनवास यात्रा का एक नया अध्याय दिखाएंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जय श्री लाइफ में पहली बार जो है ना मुझे टोटो में लिफ्ट मिला है यार, और भैया जी का नाम राहुल सिंह है तो इन्होंने दिया है। कहाँ आप यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर? तो भैया जी की प्रयागराज के रहने वाले हैं, मिर्जापुर गांव। अच्छा, मिर्जापुर गांव। तो मिर्जापुर गांव है इनका। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टोटो में भी लिफ्ट मिलेगा, आज पहली बार मिला है तो ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। आज जो है ना मेरे साथ सिर्फ कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस हो जा रहा है यार। पहले टोटो में लिफ्ट मिला, फिर एक बाइक पे थोड़ी दूर का लिफ्ट मिला था 3-4 किलोमीटर का, फिर से मुझे इस ऑटो में लिफ्ट मिल गया तकरीबन 5-6 किलोमीटर का। जय श्री राम। तो हम पहुंच गए यमुना नदी के तट पे। तो यहाँ का इतिहास ये है कि वो भरद्वाज मुनि जी की जो आश्रम गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु मुझे ये बताएं कि मैं ऐसा कौन सा दिशा में जाऊं जहाँ कि मैं मुनि जीवन भी जी सकूं और ज्यादा लोग भी मुझे ना देख सके। तो भरद्वाज जी ने के दो मार्गदर्शकों को उनके साथ भेजा और कहा कि इस ओर जाओ और दोनों लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये उस पार से यमुना नदी के उस पार से इस पार वो केवट के द्वारा पार किए थे, और सामने में वो एक मंदिर है जो कि उस चीज का चिन्ह है। यहाँ से हम आगे की ओर सीता रसोई बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे यमुना नदी पार करने के बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ गए थे। तो ये लोकेशन आपको दिखाना बहुत जरूरी था। हम आपको हर वो जगह दिखाएंगे ना जहाँ वो गए थे, चाहे वो कितना भी अंदर हो चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो। और यही वो मंदिर है। यहाँ पे अभी कोई पुजारी जी वगैरह है नहीं, तो पूजा वगैरह तो होता नहीं है, लेकिन ये छोटा सा जगह बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं अंदर में ऐसा है मंदिर। वैसे न्यास के द्वारा इसका भी डेवलपमेंट की बात चल रही है, कुछ दिनों में हो सकता है इस जगह का भी डेवलपमेंट हो। और ये बिल्कुल ही अंदर है, देखो आप, ये सामने में यमुना नदी का तट है और काफी जंगल जंगल है, तो एकदम अंदर है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर हमें फिर वापस पैदल चल के जाना पड़ेगा हाईवे के लिए, फिर हम वहाँ से आगे सीता रसोई के लिए बढ़ेंगे। तो अभी वहाँ से निकलने के बाद तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने का हाईवे पे आए, और कम से कम 20-25 मिनट लिफ्ट मांगने के बाद भैया जी मिले, विनय भैया जी। तो इन्होंने जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स को ऑफर कर दिया है, थैंक यू सो मच। और ये हमें जसरा तक उतार देंगे जहाँ पे हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ से बिल्कुल ही पास में है। तो ठीक है, चलते हैं। अभी काफ़ी देर भटकने के बाद, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद और अपना एनालिसिस करने के बाद फाइनली मुझे सीता रसोई का एड्रेस मिल गया यार। कभी तकरीबन 3 घंटे से मशक्कत कर रहे हैं, पहले तो आगे चले गए थे फिर मुड़ के वापस आना पड़ा, बहुत बहुत सारा परेशानी हुआ। तो अगर आपको सीता रसोई जाना है जो कि 21वां लोकेशन है, तो घुरपुर है, घुरपुर से आप आओगे तो भीठा पावर हाउस है, वहीं से बायां रास्ता जाता है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, काफी मशक्कत हो गया यार। तो अभी पहुँचते हैं वहाँ पे और पहुँच के आपको दिखाते हैं वो जगह। जय श्री राम। तो काफी देर भटकने के बाद हम फाइनली हम पहुँच गए हैं सीता रसोई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही है वो पहाड़, यहाँ पे सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और राजा निषाद राज भरद्वाज आश्रम के दो नवयुवक जो उनके साथ में मार्ग दिखाने के लिए आए थे, कुल 5 लोगों ने यहीं पे रात्रि विश्राम किया था। और सीता माता ने यहाँ पे भोजन बनाया था सबके लिए, तो इसलिए इसे सीता रसोई कहते हैं। यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, जिला प्रयागराज, सीता की रसोई मनकवार प्रयाग लिखा हुआ है यहाँ पे, गुफा सीता की रसोई मनकवार, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा गुफा बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ पत्थर रखे हैं, और इधर भी एक छोटा सा गुफा बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो और इस टीले के ऊपर जो है ना, ऊपर में एक मंदिर है सीता जी का, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो जी हम इस पहाड़ के चोटी पे आ गए हैं, और यही है सामने में सीता माता जी का मूर्ति, और वहाँ पे चरण पादुका बनी हुई है जो कि शोधकर्ताओं ने यहाँ पे लगाया है। जैसे कि मैं आपको इतने दिनों से बता रहा हूँ कि दिल्ली की एक टीम है जो पूरा शोध कर रही है इसके ऊपर, तो उन्होंने ये लगाया है। तो यही है वो जगह, और यहीं पे सीता माता ने खाना बनाया था। और सामने उस छोटे से जो पहाड़ को आप देख रहे हैं, वहाँ पे लक्ष्मण जी
प्रोटेक्शन कर रहे थे, यानी कि वहां से निगरानी कर रहे थे चारों तरफ की कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और अभी हम हैं चित्रकूट हाईवे पे। यहां से चित्रकूट है 108 किलोमीटर और हमें जाना है मुर्गा। लेकिन आज ऐसा हाल है ना भाई कि क्या बताएं यार, आज का दिन काफी ज्यादा हेक्टिक है यार, बहुत ज्यादा चलना पड़ा। तकरीबन 6 किलोमीटर हम सुबह से अभी तक चल चुके हैं, इतना ज्यादा हिचहाइकिंग करने के बाद भी। मतलब क्या बताऊं आपको, इतनी सारी गाड़ियां चेंज की है कि हालत खराब है, बस बता नहीं सकता। ये कंधे वंधे सूज गए यार। तो अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अगर हम मुर्गा नहीं पहुंच पाए ना तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा यार। तो देखते हैं अभी इस रास्ते पे कोई लिफ्ट देता है या नहीं देता है। यूपी में लिफ्ट लेना थोड़ा डिफिकल्ट है यार, लोग जल्दी विश्वास नहीं करते, लोग थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना बता रहा हूँ। तो काफी देर मशक्कत करने के बाद, और पहले आकाश कभी आकाश लिफ्ट मांग रहा था, कभी मैं मांग रहा था, तो ऐसे करते करते हमें लिफ्ट मिल गई है। और अंकल जी जो है ना बहुत दूर जा रहे हैं यार, 380 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन हमें तो उतना दूर जाना है नहीं, हमें 38 किलोमीटर जाना है, यानी कि उसका 10वां भाग जितना दूर ये जा रहे हैं। तो ठीक है चलते हैं अभी और पहुँचते हैं मुर्गा और वहाँ पे देखते हैं मंदिर कहाँ, वो खोजते हैं और फिर विश्राम को दिखाते हैं आपको आगे। बाकी इवनिंग हो रहा है और रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है, और अंकल जी का भी थैंक यू, धन्यवाद जी, जय श्री राम। तो ट्रक में लिफ्ट मिलने के बाद जो है ना हम एक जगह पे पहुंच गए जिसका नाम है मुर्गा, और मुर्गा से जो है ना 3 किलोमीटर है श्रीवन जंगल। तो अभी रात में तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम इसी ढाबे पे रुक गए हैं। कल भी हमने एक थाली खाया था और आज का भी जो है ना हमारा डिनर थाली होने वाला है, तो कुछ इस तरीके से हमारा खाना आया है, रोटी दाल और सब्जी है। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि इस यात्रा के दौरान मैं बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, कुछ भी नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, हर दिन वेज खाना खाता हूँ और कुछ भी नहीं, मतलब प्योर वेज खाना खा रहे हैं हम। तो ठीक है, और इस होटल के और इस ढाबा के ऊपर जो है ना हमने अपना टेंट लगा लिया है, तो यहीं पर आज रात को हम विश्राम करेंगे और कल सुबह सुबह उठ करके जो है ना सेवन जंगल की ओर जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक कर दे अगर अच्छा लगा हो तो। आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा थक गए यार, पैर वैर सब कुछ दर्द कर रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, ऐसा लग रहा है अभी नींद आ जाएगा। गुड नाइट।